जो अभी हो रहा है इससे भी बुरा हाल हो जाएगा भाजपा अगर आ जाएगा। मोबाइल हमारा, पैसा हमारा, उनका न्यूज हम देखे। केजरीवाल को जो जेल के कटाला है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया पूरा। गरीब आदमी को लोन दे रहे हैं सरकार ले रहे हैं, अब बड़े आदमी को लोन दे रहे हैं 10 लाख 5 लाख उसके लिए माफ हो रहा है। तो बिना काम के ही क्या 400 पार का नारा दे रही है भाजपा? उनका कहने उनका अपना मन है, अपने मन से कह रहे हैं ना। खून पसीना बहा कम आ रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ सच दिखाना चाहूंगा लोगों को या मीडिया को, तो मैं भ्रष्टाचारी बन गया। क्या किया बीजेपी ने? कुछ भी नहीं किया ना, महंगाई पे ना शिक्षा पे ना। हमारे बीजेपी में कोई ऐसे नेता है नहीं जो आज तक गुनाह नहीं करे। 400 पार का नारा होगा कि नहीं होगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सकते हैं जब उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है, तो आप किस तरह से कैसे जेल में किसी को डाल सकते हैं बेगुनाह? महिलाएं हैं, किसान है, सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 400 पार होगा कैसे? वो जनता दिखावे के लिए जनता है, बाकी वो नहीं ऐसा नहीं है। जो वोटर है वो अपने मन में बना रखा है। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में जनता के लिए कोई खास काम इस बार दिखाए नहीं है, जो पहले के थे वही है सारे। कोई भी नेता कोई भी काम कर ले, कोई भी काम खास नहीं होता है। खिलाड़ी तो वापस फिर आ रहे हैं ना, उसी में समर्थन में आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत लोगों ने तो पार्टी ज्वाइन कर ली। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम मौजूद है गोविंदपुरी क्षेत्र में, और आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में अब ज्यादा समय तेज नहीं बचा है। तो आखिर इस बार कौन सी सरकार आने वाली है? जनता किसे पसंद कर रही है? क्या 400 पार का नारा सफल होगा, या फिर इस बार राहुल गांधी जो लगातार यात्रा कर रहे थे उनकी बातें सही साबित होंगी, उनका मैनिफेस्टो सही साबित होगा, उन्होंने जो लोगों से वादे किए हैं वो सफल हो पाएंगे, वो प्रधानमंत्री बनकर आएंगे? तो लोगों से ही जाने की कोशिश करते हैं। आप बताइए अंकल जी, 400 पार का नारा जो दे रहे हैं, क्या लगता है 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल होगा, होगा 400 पार होगा। 400 पार हो जाएगा? कैसे होगा? जनता तो कई जगह पे प्रोटेस्ट कर रही है, और कई ऐसे खिलाड़ी हैं, कई महिलाएं हैं, किसान है, सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 400 पार होगा कैसे फिर? वो जनता दिखावे के लिए जनता है, बाकी वो नहीं ऐसा नहीं है। जो वोटर है वो अपने मन में बना रखा है कि मोदी जी को 400 पार करना है। लेकिन टोटल अगर सीटों की बात करें तो 370 के आसपास कुछ सीटें हैं, और 400 पार जो वो कह रहे हैं वो बाकी सीटों को लेकर के कह रहे हैं जो गठबंधन में आ रही है। लेकिन कई लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो विरोध में है, चाहे वो पंजाब की बात ले लीजिए, हरियाणा की बात ले लीजिए। क्या लगता है आपको, जो खिलाड़ियों के साथ हुआ उसके बाद हरियाणा से वोट पड़ेगा भाजपा को? खिलाड़ी तो वापस फिर आ रहे हैं ना, उसी में समर्थन में आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत लोगों ने तो पार्टी ज्वाइन कर ली, तो ऐसा नहीं है। जो मोदी जी का काम है वो अच्छा है। अच्छा, राहुल गांधी का काम कैसा लगता है आपको? उनका भी अपना ठीक है। क्या लगता है उन्होंने जो 25 गारंटियां दी है उसका असर होगा? अभी समय नहीं है उनका, आने वाला समय जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल मोदी जी? हाँ, अभी जो मोदी जी है। चलिए, और लोगों से जानते हैं कि आखिर कौन आएगा इस बार, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ जी, पूरी गारंटी है। पूरी गारंटी है। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में जनता के लिए कोई खास काम इस बार दिखाए नहीं है, जो पहले के थे वही है सारे। कोई भी नेता कोई भी काम कर ले, कोई भी काम खास नहीं होता है। आज तक जब से इलेक्शन हुआ तब तक कोई खास कुछ नहीं है, बस पब्लिक जिससे खुश है उससे आना चाहिए। आप खुश हैं मोदी जी से? बहुत खुश हूँ। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे इस बार? इस बार राशन मिल रहा है, तो 5 किलो राशन के लिए आप वोट डाल देंगे? हाँ, तो केजरीवाल भी तो आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, उनको भी दे दीजिएगा। इस समय पानी की इतनी दिक्कत है, हमारे नौजवान कैंप में जाकर के देख करके आप आइए, तो आपको ना खुद पता लगेगा कि पानी की जो है कितनी बड़ी समस्या है। पानी नहीं मिल रहा है, क्या करें? सरकार भैया कोई सी भी आएगी लेकिन वो करेगी अपने मनमाने काम, पब्लिक का कोई काम नहीं कर रहा है। पहली बात तो राज, केजरीवाल को जो जेल के अंदर डाला है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया पूरा, क्योंकि जो हमारे दिल्ली का, दिल्ली राजधानी है, राजधानी का कोई भी अभी तक जो है क्या कहते हैं, हाँ, CM जो है अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया इसमें। गलत हुआ या सही हुआ? हुआ जी, गलत हुआ ये। केजरीवाल के साथ गलत हुआ या बाकी जनता के साथ भी गलत? के साथ गलत हुआ, पब्लिक के साथ भी गलत हो रहा है। क्या दे रहे हैं पब्लिक को, क्या दे रहे हैं? सबकी है रोजी रोटी, सबकी मरी पड़ी है। मोदी सरकार तो कह रही है कि जितने भी गरीब हैं मैं उन सभी के लिए कार्य कर रहा हूँ, सभी के साथ हूँ, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सालों में क्या करें, 10 सालों में क्या करके गरीबों के हक में कुछ करा? कहीं भी आप लोगों को कुछ दिख रहा है? योजनाएं जो चलाई वो गरीब, वो सब गलत है, वो सब बड़े लोगों की योजना है, वो गरीब आदमियों कोई योजना नहीं चल रही है, कोई योजना नहीं चल रही है। 400 पार का नारा होगा कि नहीं होगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपके हिसाब से कितनी सीटें? बहुत मुश्किल है, अगर 50 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। देश के अंदर जो ये हुआ है, पहली बार हुआ है हमारे भारत में कि किसी CM को बगैर प्रूफ के आप इस तरह जेल भेज रहे हैं।
आपके पास सबूत नहीं है किसी बात का, ठोस सबूत हो, कोई मुद्दा हो इस चीज का कि आप, हाँ ये सच है केजरीवाल के खिलाफ ये मिली है, उनके खिलाफ साजिश है ये, तो आप जेल भेज सकते हैं। जब उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह से कैसे जेल में किसी को डाल सकते हैं बेगुनाह को? केजरीवाल को अगर उन्होंने कोई गुनाह किया नहीं है तो ऑर्डर कैसे मिल गए गिरफ्तारी के? देखिए पावर इनकी है, सत्ता इनकी है, राजनीति इनकी है, तो ये तो जो मर्जी करते हैं। अच्छा अभी तो जो मर्जी कर सकते अभी हैं, जो कालका जी से विधायक और मंत्री भी हैं आतिशी, आप जानते होंगे शायद जी, वो लगातार ये कह रही है कि चार और बड़े नेताओं को जेल में डालने वाली है केंद्र सरकार ईडी, क्या लगता है क्या ये बात सच होगी? देखिए इस मामले में तो कहना बहुत मुश्किल है कि देखिए क्या राजनीति अपना रही है ये बीजेपी गवर्नमेंट, को समझ नहीं आ रहा है कि क्या। आप ये बताइए मुझे, हमारे बीजेपी में कोई ऐसे नेता है नहीं जिन्होंने आज तक गुनाह नहीं करे? सभी नेताओं ने गुनाह करे हैं लेकिन उनके सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोई करना नहीं चाहता उनके खिलाफ। अगर कोई करना चाहता भी है तो उनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं, चाहे पैसे से या पावर से। आप ऑटो चलाते हैं, पूरी दिल्ली में चलाते होंगे? जी जी जी। आपने जगह जगह बस स्टैंड पर पोस्टर देखा होगा, एक तरफ पोस्टर पर लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ, दूसरी तरफ लिखा है भ्रष्टाचार को हटाओ, कुछ इस तरीके की बातें लिखी हुई है और उसमें चेहरा स्पष्ट नहीं है लेकिन जो छवि बनाई गई उससे साफ पता चलता है कि गठबंधन के लोगों की तस्वीरें हैं वो। देखिए ऐसा है मैडम, देखिए बीजेपी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा एक साजिश रच रही है कि कोई भी उनके खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाए। अगर मैं भी एक गरीब इंसान हूँ, आम आदमी हूँ, आम जनता का एक इंसान हूँ, अगर मैं कुछ सच्चाई लाने की कोशिश करता हूँ किसी बीजेपी के खिलाफ तो वो भ्रष्टाचार हो गया। मैं एक भ्रष्ट इंसान हूँ, ठीक है जी, मैं मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ, खून पसीना बहा कमा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ सच दिखाना चाहूँ ना लोगों को या मीडिया को तो मैं भ्रष्टाचारी बन गया। सच दिखाना, सच बोलना भ्रष्टाचार? जी 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 बिल्कुल, सच बोलना ही भ्रष्टाचार है उनके। क्या लगता है कब तक बाहर आएंगे केजरीवाल? अब देखिए वैसे तो अभी तक तो बेगुनाह है, कुछ साबित ही नहीं कर पाई है गवर्नमेंट उनके खिलाफ, तो अब ये तो जनता तय करेगी जी। और भी लोग हैं हमारे साथ, हाँ बोलिए। कोर्ट का मामला है कि केजरीवाल साफ है कि लिप्त है उसमें? मामला किसी का भी हो, आपके मुख्यमंत्री हैं, आप क्या सोचते हैं ये भी तो जरूरी है। वो तो कोर्ट निर्णय लेगा, कोर्ट के द्वारा गए, इसमें कोई सरकार का रोल ही नहीं है। मोदी जी बढ़िया लगते हैं या फिर काम उनके बढ़िया लगते हैं? काम अच्छा है, मोदी जी अच्छा है। पर वोट किस पर डलेगा, काम पर या मोदी जी के चेहरे पर? चेहरे पर कोई नहीं डालता, काम का ऊपर डालता। क्या काम किया था? काम देश के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम किया है आज तक किसी ने, 47 से लेके आज तक जो नहीं किया उसने मोदी करके दिखाया। तो काम बता दीजिए ना कैमरे पर। काम हजारों काम करके दिखाया, ये काम तो है ना, हजारों काम करके दिखाया। गरीबों के लिए क्या किया है, जमीनी स्तर पर योजना, इतना योजना बना के दिया, अगर उसका लाभ उड़ाना चाहता है उड़ा सकता है, नहीं उड़ाना चाहता उसको किसी को पता नहीं चलना चाहता है तो अगर उसके बारे में पता ही नहीं। आपको मिला योजनाओं का लाभ? लाभ मिला। क्या लाभ मिला? आपकी आय दोगुनी हुई? दोगुनी नहीं हुआ तो भी अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ। महंगाई बेरोजगारी? महंगाई तो हमेशा बढ़ता ही रहता है, मैं भी सोचता हूँ कोई 10 रुपए का सामान भेजो उसका कल 12 रुपए करे, ऐसे महंगाई तो बढ़ता ही रहता है। रोजगारी से आपको कोई दिक्कत नहीं? रोजगार देखो, काम करने वाले के लिए रोजगार है, हजारों रोजगार। अब काम नहीं करना चाहता बोला रोजगार नहीं है तो कैसे है रोजगार, जो काम करना चाहता हजारों काम है। इस बार किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा मोदी जी को? मुद्दे का देश के हित में वोट डालना चाहिए, देश के हित में डालना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं अगर इस बार मोदी जी आ गए ना तो तानाशाह लागू हो जाएगा, दोबारा कभी देश में चुनाव नहीं होगा, क्या कहते हैं? नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा, लोग बोलने से क्या होता है? आप तो नहीं लोग में? नहीं हम ऐसे लोगों ने कहा है? नहीं हमने नहीं बोला है। आपने नहीं बोला, आपके जैसे लोगों ने कहा, जनता कहती है? कई आदमियों का कई विचार है, सभी का अपना अपना विचार है। अच्छा। वो विचार अपना अपना रखता है, उसमें जो जिसको अच्छा लगता है वो फॉलो करता है। तो आपका ऐसा मानना नहीं है? नहीं मेरे का नहीं मानना। आपका क्या मानना है, भाजपा सरकार आएगी इस बार लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा भाजपा आएगी, नहीं लग रहा। क्या कमी रह गई जो इस बार वो आ नहीं पाएगी? बहुत सारी कमियां है, क्या किया बीजेपी ने, कुछ भी नहीं किया ना, महंगाई पे ना शिक्षा पे ना बेरोजगारी पर कितना ज्यादा फैली हुई है, काम नहीं है लोगों के पास, पब्लिक परेशान है। मोदी सरकार ने कहा था आय दोगुनी होगी, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख आएंगे, योजनाएं चलाई उन्होंने, बहुत काम तो किए, आप कैसे कह रहे काम नहीं है? आप लोग को नहीं पता कितना मिला रोजगार, कितना मीडिया वाले भी परेशान है, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा,
कोई रोजगार नहीं है। तो बिना काम के ही क्या 400 पार का नारा दे रही है भाजपा? उनका कहने उनका अपना मन है, अपने मन से कह रहे हैं ना, बिल्कुल। आप लोग वोट नहीं देंगे? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे या केजरीवाल को देंगे, लेकिन उसको नहीं देंगे। राहुल गांधी बढ़िया लगते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्या सही लग रहा है उनमें? राहुल गांधी में सब कुछ है, अच्छा है, टैलेंट है। बहुत पहले से हमारी कांग्रेस सरकार है, 70 सालों से राज किया, बहुत अच्छा चलाया उन्होंने देश के लिए, बहुत अच्छा काम किया। सालों में कुछ नहीं कर पाई कांग्रेस की सरकार, इसीलिए तो उसको बदल दिया गया और भाजपा की सरकार लाई गई ताकि काम हो देश में। क्या कुछ नहीं हुआ 1985 में राजीव गांधी ने वो लाया, कंप्यूटर लाया। आज कंप्यूटर से कितना विकास हुआ देश का, कितना विकास हुआ। कंप्यूटर है आज, सारा कुछ मोबाइल है, टेलीफोन है, सारा कुछ कंप्यूटराइज है। अरे मोदी के राज में ही गरीबों के जेब में भी 10,000 का स्मार्टफोन पहुंच गया। हाँ, तो उनके जेब उन्होंने पैसा डाल दिया है, मोबाइल हमारा, पैसा हमारा। उनका न्यूज हम देखें, उनका एडवर्टाइज देखें, उनका कहने का मतलब यह कि उनका मोबाइल तो पब्लिक का है और पब्लिक का पैसा रिचार्ज हम कराते हैं। आय दुगुनी हुई तभी तो 10,000 का मोबाइल जेब में गया। तो हम वो कमा के हमको दिया आय दुगुनी के ये है, हमारे तो ऐसे काम नहीं, एक महीने से हम 2 महीने से बैठे हुए हैं। आप बताइए, आप लोगों को भाजपा के काम अच्छे लग रहे हैं? हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ क्यों, क्या दिक्कत है भाजपा के साथ? बहुत बेरोजगार गली में बहुत सारे घूम रहे हैं, उसके लिए कौन सरकार दिया? कोई रोजगार शुरू कर दीजिए ना, तरीके तो बताए हैं ना मोदी। कोई सरकार कुछ रोजगार देंगे तभी तो शुरू कर। सरकार थोड़ी आएगी रोजगार देने के लिए, उन्होंने तो लोन पास करवा दिया, रेड़ी पटरी वालों को टीचर का लोन दे रही है ना। ठीक है, लोन दे रहे हैं तो क्या सरकार ले नहीं रहे? गरीब आदमी को लोन दे रहे हैं सरकार, ले रहे हैं ना। अब बड़े आदमी को लोन दे रहे हैं 10 लाख 5 लाख, उसके लिए माफ हो रहा है। गरीब आदमी के लिए 50,000 या 1 लाख दे रहा है, उसके माफ हो ही नहीं रहा है। तो वापस ले भी रही है तो रोजगार तो शुरू कर ही सकते हैं, रोजगार शुरू करके पैसे लौटा दीजिए। अच्छा, ऐसे थोड़ी ना होता है कि हर इंसान को रोजगार देगा और वो अपना बिजनेस कर ले, और ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो कितना रोड पे देखो कितना रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को रोजगार मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। आपकी आय दोगुनी हुई? मेरी आय तो दोगुनी नहीं, बाकी ये है कि रोजगार ठीक ठीक है, काम है, जब पब्लिक बढ़ रही है तो क्या कर रहे हैं। अच्छा, लगातार 400 पार भाजपा कर रही है, होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। दूसरी बात भी उनके नेता कह रहे हैं कि 400 पार होगा, हम संविधान बदल देंगे, ये चीज सही है? संविधान तो नहीं बदल सकते, ये तो सब बेकार की बात है। संविधान क्यों बदलेंगे? आप कुछ कह रहे थे, बताइए जरा क्या कह रहे हैं? देश बदल देगा, संविधान नहीं बदल पाएगा। नहीं बदल पाएगा, बिल्कुल नहीं बदल पाएगा। तो 400 पार अगर भाजपा आ जाती है तो देश में कितना विकास और हो जाएगा, क्या अच्छा होगा देश? कुछ नहीं होगा, जो अभी हो रहा है इससे भी बुरा हाल हो जाएगा भाजपा अगर आ जाएगा। बताएंगे क्या, पर क्या कितना बुरा हो जाएगा, किस तरीके की? बुरा हो जाएगा। अभी तो ये रोड पे घूमने की जगह मिल रहा है, उस वक्त घूमने का जगह नहीं मिलेगा, न बैठने का जगह मिलेगा। क्या हो जाएगा रोड पे? बहुत तरह की आफत आ जाएगी। आप ही देखो जरा, नजर उठा के देखो, आप तो मीडिया वाले हैं, आप देखो जरा नजर उठा के कहाँ क्या हो रहा है, कैसे प्रॉब्लम हो रहा है। कभी वो मर रहे हैं, कभी उधर मर रहे हैं, कभी उस गले में मर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। भाजपा का शासन जब से आया तब से अपराध कम हो गए, आप कह रहे हैं कि इधर मर रहे हैं उधर मर रहे हैं, कम हो गया है। आप देखिए तो सही नजर उठा के कहाँ कम हो गए हैं। खुश है सब अपना रोजगार कर रहे हैं? नहीं ऐसा ये गलत है, सिर्फ कहने का है कि कम हो गए हैं और ज्यादा हो जाएंगे। अभी अगर ये जीत जाएगा ना तो और ज्यादा हो जाएंगे, ना हमारे चलेंगे ना आपके चलेंगे, चलेंगे तो सिर्फ उसी का चलेंगे, बाकी किसी का नहीं चलेंगे। हाँ, आप देखिए जरा रोड पे भी देखिए, घूमते हैं, आप भी मीडिया वाले हैं, आपका भी रोजगार है, आप घूम रहे हैं, जब तो आपको पैसे मिल रहा है, इसी से आप भी कमाइएगा, नहीं तो आपको सरकार देने आ रही है, बताइए जरा, नहीं देने आ रहा। तो आपको भी तो तरीके बताए ना रोजगार के, कहाँ से रोजगार हो पाएगा? हर एक इंसान अगर रोजगारी कर लेगा तो मजदूर कहाँ जाएगा, फिर मजदूरी कौन करेगा, ये बताइए ना। चले देखिए, और भी लोग उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर भाजपा के शासन में कितना काम हुआ है, आप बताएं भाजपा के शासन में काम हुआ है? मोदी सरकार अच्छी लगती है? ठीक है, ठीक है। क्या ठीक है, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी के काम अच्छे हैं, क्या अच्छा है? काम भी अच्छा है। काम ठीक ही किया है, जो भी किया है काम ठीक ही है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। आपने किया काम, क्या किया वो पता नहीं आपको? मेरे हिसाब से ठीक है। आपको पता है काम क्या किया है भाजपा ने? कुछ नहीं, काम तो कुछ नहीं किया, काम कुछ किया ही नहीं है। किसने किया काम? देश में जो विकास हो रहा है वो कौन कर रहा है? हम तो और कांग्रेस को देंगे। तो देश में अभी का जो विकास हो रहा है वो कांग्रेस करवा रही है? ये नहीं मालूम, हम तो कांग्रेस का हमेशा देते हैं, कांग्रेस को देते हैं। अगर जीत ही नहीं पाएगी कांग्रेस तो आपका वोट तो बेकार हो जाएगा। कैसे नहीं जीत पाएगी, आपको समझ नहीं, जीत पाएगी, जीत जाएगी और क्या, सीटें आएंगी
कांग्रेस तो जीतेगा राहुल गांधी। कितनी सीटें आएंगी बता दीजिए, क्योंकि भाजपा तो ऑलरेडी कह रही है 400 पार है, तो कांग्रेस के लिए सीट बची थोड़ी ना, सीटों जा पा है, कह रही समय आएगा तब पता चलेगा ना। राहुल गांधी का काम तो हो नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, राहुल गांधी जीतेगा हम लोग तो वही वोट देते हैं उसी को, क्योंकि देश की आधी आबादी प्लस जो विपक्षी है वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी को तो बोलना तक नहीं आता है, वो क्या पत्रकार चलाएंगे, कैसे जीत कराएंगे वो। नहीं नहीं, वो हमारे हिसाब से सही है वो, कुछ अच्छा बता दीजिए। चलिए देखिए, जनता जो है लगातार पक्ष और विपक्ष में बात कर रही है और चुनाव बेहद नजदीक है, 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे और तभी पता चलेगा कि आखिर इस बार किसकी सरकार आने वाली है, क्या 400 पार होगा या फिर राहुल गांधी की यात्रा का जो बोलबाला था वो इस बार 2024 में नजर आएगा और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी यानी गठबंधन की सरकार बन जाएगी। नजर अपनी बनाए रखिएगा, कैमरामैन निखिल के साथ मैं नमिता शाह, NCR समाचार, दिल्ली।